अरविंद केजरीवाल 21 दिन बाद गए तिहाड़ जेल। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए दी थी अंतरिम जमानत। दोपहर 3 बजे सीएम केजरीवाल ने किया सरेंडर। पूर्वी दिल्ली में बढ़ रही लू से पीड़ित मरीजों की संख्या, करीब 20 से 25% मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। गर्मी से बचाव के लिए अत्यधिक पानी का करें सेवन। डबल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी उम्र कैद के दौरान पैरोल से हुआ था फरार। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ऑटो चलाता था आरोपी। दिल्ली में चौंका रहे एग्जिट पोल के आंकड़े। दिल्ली में छठे चरण यानी कि 25 मई को चुनाव हुए थे संपन्न। भाजपा ने अकेले तो आप कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था 7 सीटों पर चुनाव। केपी गैंग के एक आपराधिक सदस्य गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद। आरोपी पहले से ही कई आपराधिक मामलों में है शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ जेबा अंजुम। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पूर्व दिल्ली की कुछ खास खबरों के साथ। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल 21 दिन तक चुनाव प्रचार में बिजी रहने के बाद आज फिर वापस तिहाड़ जेल पहुंच गए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। जमानत की अवधि खत्म होने के बाद 2 जून को उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया था और आज उन्होंने दोपहर 3 बजे सरेंडर कर दिया। इसी मुद्दे को लेकर सीसीएन संवाददाता ने पूर्व दिल्ली की जनता से बात की। लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के आदेश का पालन किया है और तिहाड़ जाने से पहले हनुमान जी के दर्शन कर महात्मा गांधी को नमन कर आज उन्होंने सच्चे देश प्रेमी का मुकाम हासिल किया है। साथ ही जनता ने कहा कि वे जल्द जेल से बाहर आएंगे और ये जो झूठे आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वे जल्द गलत साबित होंगे। हाँ, ये देश हित में सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया उन्होंने। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 तारीख को आपको सरेंडर करना, उन्होंने सरेंडर कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान, और बाइज्जत बरी होंगे वो, सुप्रीम कोर्ट से ही बाइज्जत बरी होंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने जो सरेंडर किया है इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो जैसा बोला गया था कि उनको सरेंडर किया है तो उन्होंने उसका पालन करा पूरा। कोर्ट की अवहेलना नहीं करी, उसको स्वीकार किया है। लगातार गर्मी बढ़ रही है और गर्मी के साथ लू भी चल रही है। ऐसे में लू लगने के मरीजों की संख्या हॉस्पिटल में बढ़ रही है। हमने जब पूर्व दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटलों का जायजा लिया तो डॉक्टरों का कहना था कि पहले के मुकाबले 20 से 25% मामले गर्मी की वजह से बढ़ रहे हैं। लोगों को लू लगने की शिकायत हो रही है जिसके कारण उल्टी, दस्त, लूज मोशन, चक्कर आना, पेशाब न होने की शिकायत लोगों को अधिक बढ़ रही है। इससे बचाव के लिए यदि बाहर जा रहे हैं तो पूरी तरह के कपड़े पहनकर जाएं, बाएं ढककर जाएं और सिर और मुंह को कपड़े से ढककर जाएं और अत्यधिक पानी का सेवन करें। लू लगने के अगर आपको दिक्कत है या आपको बुखार ज़्यादा तेज आ रहा है तो ऐसे समय में आपको एक दवाई है पैरासीटामोल, जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं बुखार के लिए, ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी है क्योंकि डिहाइड्रेशन के साथ जो है ये लिवर पे अफेक्ट करती है और लू का जो मैकेनिज्म है बॉडी को डायरेक्टली हीट करने का, वो दवाई उस पर काम नहीं करती है। वो दवाई काम करती है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन से हमारे बॉडी का थर्मोस्टैट जो है, जो हाइपोथैलेमस है, वो बदल रहा है, उसका टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं हो पा रहा। तो पैरासीटामोल जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर एक्ट करती है टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो लू लगने के अंदर पैरासीटामोल काम नहीं करती है, इनफैक्ट लिवर को नुकसान पहुंचाती है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो सबसे पहले हमारे को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आजकल जो है हॉस्पिटल में लू लगने की वजह से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और इन केसेस को जो है हम टाइमली एजुकेट भी कर रहे हैं, इनको हम टाइमली ट्रीट भी कर रहे हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि कोई व्यक्ति ऐसा था जिसको जो है टाइमली मदद नहीं मिल पाई जिसकी वजह से उसकी हो गई, और अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो दिल्ली के अंदर और भी ये समस्या बढ़ने की संभावना हो सकती है। देखिए, गर्मी से बचना है तो आपको गर्मी में न जाएं, खासतौर से 11 से 3 बजे के बीच, मतलब दोपहर में गर्मी में बाहर न निकलें। और दूसरा, जाना है तो आप साथ में अपने हीट किट लेकर चलें, जिसका मतलब है सर को कैप से कवर करें, गमछे से कवर कर लें या हेड से कवर करें, गॉगल्स लगाएं, पानी की बोतल रखें, ORS का घोल रखें, और जितना पसीना आ रहा है उसको बार बार पोंछते रहें। आधे घंटे एक घंटे में अगर आपको प्यास भी नहीं लग रही है तो पानी ज़रूर पिए, और साथ में अगर ORS का घोल है तो और ज़रूर पिए।
और ख़ासतौर से मैं बच्चों को 4 साल से कम बच्चों को बाहर नहीं भेजे दिन में, और इसके अलावा 65 साल से ज़्यादा बुज़ुर्गों को, ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है। और एक और वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिसको कहते हैं हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ वाले, जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, या इम्यूनोथेरेपी चल रही है या कीमोथेरेपी चल रही है, इनकी इम्यूनिटी कम है मतलब, तो वो भी बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनको जल्दी से दिक्कत हो सकती है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वेलकम थाना अंतर्गत जनता कॉलोनी से ओनर किलिंग में डबल मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी दिलशाद काफी दिनों से फरार चल रहा था। आरोपी दिलशाद को मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो इस दोहरे हत्याकांड में मिली पैरोल के बाद से पुलिस गिरफ्त से बाहर था। पूरा मामला बहन के जाति से अलग लव मैरिज करने की वजह से की गई ऑनर किलिंग से जुड़ा है। DCP अपूर्वा गोयल के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता कॉलोनी के रहने वाले मोहम्मद इब्रान ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आरोपी को पकड़ने का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया था कि दिलशाद ने अपने परिवार के सदस्यों और दोस्त के साथ मिलकर उसके भाई और मां को गोली मार दी थी और बहन की गर्दन पर सरिये से वार कर दिया था। आरोपी का पता लगाने के लिए टीम रिकॉर्ड के अनुसार उसके ठिकाने पर पहुंची और मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी फिलहाल दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ऑटो चलाता था। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतरिम चरण में मतदान 1 जून को समाप्त हो चुके थे। दिल्ली की 7 सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला। इसी को लेकर CCN की टीम ने दिल्ली के एग्जिट पोल पर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली का अनुमान लगाते हुए सभी पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं से बात की, तो उनका कहना था कि उनकी पार्टी विजय होकर सामने आ रही है। BJP की ओर से श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि पूर्वी दिल्ली का चुनाव उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। दिल्ली के अंदर NDA 7 सीटों पर जीतने वाली है। वही आम आदमी पार्टी के नेता सुभाष लाल का कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आएगी। वही कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्र मोहन ने बताया कि एग्जिट पोल अनुमानित होते हैं और 2014 में देखा गया था कि अनुमान कुछ और लगाया गया था, लेकिन हालांकि रिजल्ट कुछ और ही निकला था, लेकिन इस बार की जनता इस तानाशाही सरकार को बदलेगी और एग्जिट पोल का अनुमान इतना ही होगा कि दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे विकराल रूप ले रहे थे, उसी के रूप के अंदर कांग्रेस का न्याय पत्र जो देश के अंदर न्याय की मांग करता रहा, उससे एक अंडरकरंट सरकार के विरुद्ध रहा, जिसका साबित निर्णय 4 तारीख को आएगा। एग्जिट पोल एक ओपिनियन है और ऐसे ओपिनियन कई बार 2004 में 2009 में गलत साबित हुए, क्योंकि जब देश का मूड अंडरकरंट हो तो वो किसी को नहीं बताता, वो अंदर जाके अपनी उंगली के डिसीजन से सत्ता का परिवर्तन करता है। दिल्ली में 7 सीट जो गठबंधन पे लड़ी जा रही है, 4 पे आम आदमी पार्टी, 3 पे कांग्रेस, तो मुझे लगता है कम से कम 5 सीटें हम जरूर जीतेंगे। भाजपा ने कोई काम नहीं करा, ये तो एग्जिट पोल गोदी मीडिया है, क्या दिखा रही है दिखाने दो। तमिलनाडु में कांग्रेस को 15 सीटें दिखा रखी है, जबकि वो लड़ी 9 सीटों पर रही है, तो 15 कहाँ से दिखा दी। तो एग्जिट पोल पर तो विश्वास किया नहीं जा सकता। 4 तारीख को मशीनें खुलेंगी और जो सच होगा सामने आएगा, और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन बहुमत से सरकार बनाने जा रही है देश के। जो आकलन किया है, मतदाता स्वयं निकल के आए हैं, वो चाहते थे कि वोट की डेट आए, 25 मई कब आए, हम मोदी जी को वोट डालने जाएं। लोगों में दिल्ली में नहीं पर देश में उत्साह था कि हम मोदी जी को वोट डालें, उसी का परिणाम है जो 400 के आसपास हमारी सीटें आने वाली है, 400 पार होने वाली है। AATS पूर्वी जिले की टीम ने कैपी गैंग के एक आपराधिक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान नुकोल निवासी ग्राम खिचड़ीपुर के तौर पर हुई है। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर कुछ पुलिसकर्मियों को केपी गैंग से जुड़े सक्रिय अपराधियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पूर्वी दिल्ली में तैनात किया गया था। जानकारी के मुताबिक बता दें कि कैपी गैंग दिल्ली में अवैध शराब संचालन के लिए जाना जाता है। पुलिस ने आरोपी को कब्जे से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है और साथ ही पुलिस में आगे की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली में सफाई के नाम पर प्रशासन की चुप्पी से जनता की परेशानी लगातार बढ़ रही है। आज हम बात कर रहे हैं DDA लैंड की, जो विभाग की अनदेखी के कारण लोगों ने उसको कूड़े का घर में तब्दील कर दिया है। विश्वास नगर के 13 ब्लॉक के न्यू संची अमर कॉलोनी में सालों साल कूड़ा नहीं उठता है, जिसके कारण वहाँ रहने वाले लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब CCN संवाददाता ने स्थानीय जनता से बात की तो उनका कहना है कि कई बार विभाग को शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्यवाही
अभी तक नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ करकडूमा की सड़कों की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सफाई न होने की वजह से नालियों से बदबू आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के समय से सभी नेता अपने काम छोड़कर चुनावी रैलियों में लग गए, जिसकी वजह से नालों की सफाई नहीं हो पाई और सफाई कर्मचारी की भी जिम्मेदारी चुनावी जनसभा में लगाकर उनका भी ध्यान दूसरी तरफ केंद्रित कर दिया गया। इसमें कोई आता ही नहीं है कोई सफाई करने। कंप्लेंट वगैरह कुछ किया? यहाँ गली वालों ने सबने कंप्लेंट कर रखी है। ये लैंड क्या सरकारी लैंड है? हाँ जी। ये PWD में होगा ये प्लॉट। नहीं, शिकायत कोई करता ही नहीं यहाँ। शिकायत कौन करे? यहाँ सफाई फाई कुछ नहीं हुई, ऐसे रहता है सब। कब से देख रहे हैं भैया? मैं तो कई साल से देख रहा हूँ ऐसे। सफाई तो नहीं हुई अभी, बस ऊपर से थोड़ा थोड़ा कूड़ा उठवाया था। ये जो गेट ये मार्केट टूटी है जब से गंदगी है। हाँ, सरकारी बताते हैं जी भाई, ये तो वही करेंगे जो यहाँ के प्रधान जी हैं, नेता जी हैं। राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में से एक पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी है, जहां मंडी के अंदर व्यापारी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोगों का कहना है कि APMC के सिक्योरिटी अपनी मनमानी करके गाजीपुर सब्जी मंडी को चला रहे हैं। सब्जी मंडी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। गंदगी के अंबार को देखते हुए यहाँ पे पीने के पानी की समस्या, बरसात में जल भराव, सुरक्षा व्यवस्था की कमी, अतिक्रमण, आवारा पशुओं के आतंक से आढ़तियों के साथ साथ खरीदारों को भी परेशानी से जूझना पड़ता है। हम कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने APMC के सिक्योरिटी से बात करनी चाही तो उन्होंने मिलने से साफ मना कर दिया। ये बिल्कुल सच्चाई है, जो ट्रक आते हैं, जैसे गोभी आई है या मटर आई है, जितनी महंगी अराइवल है वो 50% चढ़ती है, 50% छूटती है। और जितने ये रोड पे जितने एक्रोचमेंट हो रही है, जितनी ठेलियां वगैरह सब लगी हुई है, वो APMC के अंडर में लगी हुई है। वो APMC पैसा इकट्ठा करती है। APMC का इन्फोर्समेंट जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उसमें उन्होंने गार्ड को छोड़ रखा है, गार्ड पैसे इकट्ठे करते हैं और वो इन्फोर्समेंट को देते हैं, इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी को देता है। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसके चक्कर में तो आज बदतमीज से सिक्योरिटी साहब में से बोल पड़े हैं, जिसकी वजह से मैंने PCR बुलाई है आज। तो पुलिस ने क्या करा? पुलिस ने कार्रवाई किया, पुलिस PCR आया, एक्चुअली सिक्योरिटी साहब चले गए यहाँ से, वो मैं दफ्तर छोड़ कर मैं चले गए। वो नहीं, पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसे बदतमीज अगर मेंबर से बोलेंगे, धमकी देंगे कि आपके जो होता है जो कर लेना, और ऊपर से कह रहे कमरे बंद करो, इनको मारो, इस तरह की इनकी वो थी आज। मनमानी, बिल्कुल पूरी मनमानी है इनकी, सिक्योरिटी साहब की हमारे यहाँ पे। पूर्वी दिल्ली में इस समय लोग पानी की कमी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। कई इलाकों में पानी की सप्लाई रुकी हुई है, कुछ जगहों पर पानी केवल एक समय ही आ रहा है और वे भी गंदा। ऐसे में जब हमने पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर का जायजा लिया तो लोग पानी की समस्या से काफी परेशान नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि विश्वास नगर की गली नंबर 2 में पिछले 3 महीनों से पानी नहीं आ रहा है, पानी खरीद कर लाना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि इसकी कई बार कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। दिल्ली में इस समय पानी को लेकर हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, हर व्यक्ति पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। बात करें अगर पूर्वी दिल्ली की तो यहाँ पर भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कई महीनों से पानी नहीं आया और कुछ जगह पर अगर पानी आता भी है तो वो बेहद गंदा पानी आता है। फिलहाल में मौजूद विश्वास नगर की गोली नंबर 2 में यहाँ पे तकरीबन 2 महीने से पानी यहाँ पर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान। उनसे बात करते हैं, क्या कुछ समस्या है मैडम? गली कौन सी है, कितनी दिक्कतें हो रही है, क्या कहना चाहोगे? दो नंबर गली में पानी बिल्कुल नहीं आ रहे। दो महीना बिल्कुल टंकी बिल्कुल खाली है। तो आप लोग जो पानी का इस्तेमाल उसको पूरा कैसे कर रहे हो? कैसे करो? लो टैंकर आ रही, यहाँ से ले आती हूँ बाहर से सड़क पर से, और पानी नहीं आ रहा। पीने के खरीद ले लेती, गैलन ले आती हूँ बाहर से ले आती गैलन। क्या छोटे छोटे बच्चा है, फिर दिक्कत हो रही पेट में। देखो कितनी बार हमारा पेट पानी हो गया, पैर देखो कितनी सूज गई है पानी ले लेके। हाँ दिक्कत हो रही है। 2 महीने से बिल्कुल बूंद पानी नहीं आ रहा और यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं पानी के चक्कर में। और वहाँ पे सब्जी के होके भी आ गए, जब तो यूँ कह दिया इलेक्शन के होगा, इलेक्शन तक अब इलेक्शन भी हो गया जब भी बूंद पानी नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई यहाँ देखने तक भी नहीं आया, आते हैं देख कर चले जाते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत है मॉल का। एक बात बताओ, गरीब बंदा कितना मॉल का पानी पिएगा बताओ आप? है नहाने के लिए गैलन ला रहे बताओ, है पीने के लिए खरीदे के नहाने के लिए खरीदे के क्या क्या करें बताओ आप? पानी नहीं आ रहा 2 महीने से, बहुत दिक्कत हो रही है। प्यास से भी रहते हैं आधी बार, अगर पेट में दर्द भी होता लैट्रिन जाते तो कहाँ से पानी डाल लेंगे? तो जो घर में इस्तेमाल के पानी कैसे आता? पानी
ऐसे ही कर रहे हैं, जरा मरा सा कहीं से भर लाते हैं तेरे मेरे घर से, और पीने के लिए बोतल मंगवाते हैं, खरीद के ला रहे हैं, बताओ कहाँ से खरीदेंगे? जिसके घर में 10 बंदे हैं वो कितना पानी खरीदेगा, कहाँ से लाएगा? करी थी, कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे, जल बोर्ड में भी गए थे 2 बार, कुछ भी नहीं करा उन्होंने, आज तक भी कुछ नहीं करा। अगर गड्ढा खुदवाते हैं तो पुलिस और सारे ये MCD वाले हमें परेशान कर रहे हैं, गड्ढे इसलिए कि क्या पता लाइन में पानी है नहीं है, तो पुलिस वाले और MCD वाले हमें परेशान कर रहे हैं। खुद नहीं नहीं खुद से जांच करने नहीं आ रहे, एक MCD वाला आके हमारी फ़ोटो भी खींच के ले गया, हमने गड्ढा भी इसलिए खोद के रखा है अभी, और ऊपर भी बात करी उन लोगों से, और पानी दे नहीं रहे हैं, और इतना दिल्ली सरकार कोई पानी दे, हम वहाँ जाके MCD में वहाँ जाके परेशान हो चुके हैं। योजना बिहार अब पानी मंगा रहे हैं पीने की 30 रुपए की बोतल, कभी 25 रुपए की बोतल मंगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोगों को 2 नंबर गली में हमें बहुत ज़्यादा ही है, हद से ज़्यादा है, और पड़ोस पूरी गली में पानी नहीं है, हम बाहर जा रहे हैं कभी 20 रुपए की कैन ला रहे हैं, कभी 30 रुपए की बोतल ला रहे हैं, हम थक चुके हैं बहुत। मैम तकरीबन ये पूरी गली ही है, और इसके अलावा और भी गलियाँ हैं, हम यहाँ के JE हैं होरेश जी उनके पास हुआ है, AE है अपना RK शर्मा जी उनके पास हुआ है, और RK लखेड़ा जी सुपरिटेंडेंट है उनके पास हुआ है, लेकिन कोई उनका कहना यही है कि आपकी पानी की पाइपलाइन में दिक्कत है तो वही होगी, लेकिन वजह मैडम यही है, पानी की पाइपलाइन तो अभी 3 साल पहले डली है, वजह वही है कि वो खुद मेहनत नहीं करना चाहते, टेंडर पास कराएंगे, ठेकेदार को देंगे, उनका पर भी पैसा आएगा और ठेकेदार के पास भी पैसा आएगा, कहानी यही लग रही है मुझे और कुछ नहीं लग रहा। जिस हिसाब से मैडम पानी बिल्कुल नहीं है, तो 3-3 किलोमीटर दूर से पानी भर के ला रहे हैं, या फिर पीने का पानी हम बोतलें मंगवाते हैं कि कहीं से भर के ले आएँ या बोतलें मंगा रहे हैं, यही चल रहा है, और मैं सरकारों को देख रहा हूं तो यही चीज़ चल रही है सरकारों के खिलाफ कि केजरीवाल को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, और BJP सरकार देख रही है केजरीवाल को अंदर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, लेकिन पानी की समस्या के लिए ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ एक सिंगल CM के लिए सब परेशान है, लेकिन पूरी दिल्ली के लिए कोई परेशान नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है तकरीबन काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी घर ऐसे हैं जिनके घर में पानी नहीं आ रहा है, और ये लोग जो हैं पानी की बूंद बूंद को तरसे, लेकिन सरकार जो है केवल अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेक रही है, लेकिन आम जनता की समस्याओं का समाधान कहीं से भी होता नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आम जनमानस जो है पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। चादरी जिले की STF की टीम ने अस्पताल के इलाकों में सक्रिय 2 कुख्यात और हताश जेब कतरों को गुप्त सूचना के आधार पर सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बसों, बाजारों और मेट्रो में पॉकेटमारी की घटनाओं को रोकने के लिए ASI के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान दिनेश कुमार, सुनील, दिलशाद कुरैशी के तौर पर हुई है, और आरोपियों के कब्जे से करीब 4 चोरी के मोबाइल फोन, 1 चोरी की स्कूटी, होंडा एक्टिवा आरोपी व्यक्ति के कब्जे से बरामद कर लिया गया है। पूर्वी दिल्ली में 2 हफ्ते से गर्मी अपने चरम पर है और तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों के घरों में AC भी राहत पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, लेकिन इस तपेश के बीच कुछ गरीब मजदूर और कामकार करने वाले लोग सड़क फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर हैं। रात में तापमान कम होता है लेकिन गर्मी का सितम जारी रहता है, वही दिन में जैसे जैसे पारा चढ़ता है ये लोग आसपास में छाव तलाशने लगते हैं। गर्मी में सड़क किनारे रहने के कारण लोगों को कई तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। CCN लाइव ने पूर्वी दिल्ली में ऐसे लोगों से उनकी समस्या जानने की कोशिश की तो लोगों ने बताया कि वे फुटपाथ पर रहते हैं, गर्मियों के कारण धूप में उन्हें काम करना पड़ता है और थकान महसूस होने लगती है। रात को भी खुले आसमान के नीचे सोने पर गर्मी लगती है। फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को काफी बीमारियां भी हो रही हैं लेकिन इलाज उनका प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। शादरा से जगतपुरी जाने वाले रोड के बीच बने डिवाइडर पर इन दिनों से मलबा डाला जा रहा है, जो कि काफी गंभीर समस्या है। हमारे संवाददाता ने जब वहां का जायजा लिया तो वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाले मलबे को रोड के बीच के बने डिवाइडर में डाला जा रहा है, जिसके कारण यहाँ बहुत सी धूल उड़ती है। साथ ही लोगों ने यह भी बताया कि सड़क पर मलबा पड़ा रहता है, जिससे हादसे होने का डर बना रहता है। साथ ही यहाँ लगे पेड़ पौधों को भी नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं। कई बार निगम को इसके शिकार कर चुके हैं लेकिन निगम इस पर कोई कार्यवाही नहीं करता है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में सिर्फ इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव पर। नमस्कार।